हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव क्लासेस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं बहुत आपका कम समय लेता हूं और सीधे टॉपिक पे आता हूं, इसलिए मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत कम समय में देता हूं। आइए आज हम लोग टॉपिक देखते हैं, स्टेट पार्टीज ऑफ इंडिया। इससे पहले मैंने नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया देखा था, आज हम लोग स्टेट पार्टीज ऑफ इंडिया देखते हैं कि इसकी क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, एलिजिबिलिटी। देखिए, दल को विधानसभा चुनाव में कम कुल सीटों की 3% सीट या 3 सीटें जीतनी होगी। मतलब आपका कोई राज्य है तो उसका 3% सीट या 3 सीट जीतनी होगी। कहाँ? राज्य का, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का 3% सीटें या 3 सीट, ठीक है, जितना उस विधानसभा में अलॉटेड है वहाँ का सीट। नेक्स्ट आइए, जो याद होता है पहले वो पहले करते हैं हम लोग। इसमें आपने देख लिया कि विधानसभा के 3% सीट या 3 सीटें जितनी जो होगी आवश्यक है। उसके बाद ये वाला देखिए, यदि दल ने लोकसभा और विधानसभा में कोई सीट ना जीता हो, लेकिन यदि उसने लोकसभा विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 8% मत हासिल किया हो, मतलब सीधा सीधी याद रखिए 8% अगर लोकसभा या विधानसभा में आया होगा तो वो स्टेट पार्टी होगा। नेक्स्ट आइए, दल को लोकसभा विधानसभा के चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हो तथा लोकसभा में कम से कम 1 सीट या विधानसभा में 2 सीटों पर विजय प्राप्त हो। लोकसभा विधानसभा और किसी में भी, लोकसभा या विधानसभा दोनों में से किसी में भी 6% मत होना चाहिए और लोकसभा में 1 सीट और विधानसभा में 2 सीट जीतता हुआ होना चाहिए। ये होती है योग्यता, 3% लेजिस्लेटिव असेंबली या 3 सीट, यहाँ 8%, यहाँ लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% सीट होना चाहिए, लोकसभा में 1 सीट और लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, दल को राज्य में निर्धारित लोकसभा सीटों में प्रत्येक 25 सीट पर एक या कम से कम एक या उसके अंश पर जो राज्य में निर्धारित हो, जितना भी आपके राज्य में निर्धारित है लोकसभा सीट उसके हिसाब से वहां पर 1 सीट कम से कम क्या कहते हैं उस पार्टी का होना चाहिए, 1 सीट, तब क्या कहते हैं वो स्टेट पार्टी कहलाएगी। इतना समझ में आया? पहला 3% सीट या 3 सीट, फिर आपका 8, फिर आपका 8% सीट, 8% वैध मत, उसके बाद नेक्स्ट आपका लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% या लोकसभा में 1 सीट या लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट और यहाँ लोकसभा का 1 सीट, ठीक है, 25 सीटों पर। टोटल अभी तक 53 स्टेट पार्टीज हैं, लेकिन हम लोग जो इम्पोर्टेंट स्टेट पार्टीज हैं उन्हीं को आज हम लोग देखेंगे मैप पर देखेंगे, ताकि याद आसानी से हो और हर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए मैप पर देखते हैं। यूजीसी नेट के एग्जाम में अक्सर ये पॉलिटिकल पार्टीज पूछा जाता है और जो जो इम्पोर्टेंट पार्टीज हैं बस उन्हीं को मैं बता रहा हूँ, ताकि हर स्टूडेंट का एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। पहला आइए पंजाब, यहाँ आपका है शिरोमणि अकाली दल। जो यूजीसी नेट एग्जाम दिए होंगे उन्हें पता होगा कि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शिरोमणि अकाली दल पंजाब में। ये कब गठन हुआ है? 1920 में। और इसका कौन गठन किया है? सुखबीर सिंह बादल।
सुखबीर सिंह बादल। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल 1920 में गठन हुआ है, सुखबीर सिंह बादल गठन किए हैं पंजाब में, ठीक है। ये यूजीसी नेट में एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आइए, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका गठन 1932 में 1932 में कौन किया है? शेख अब्दुल्ला। इसको 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट आइए, जम्मू एंड कश्मीर में ही आइए, इधर जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, पैंथर्स पार्टी, ठीक है, इसका गठन 1982 में हुआ है और गठन किए हैं भीम सिंह। एक और जम्मू कश्मीर की पार्टी है जिसको कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका गठन 1998 में हुआ है और इसका गठन किया है कौन? मुफ्ती साहब ने, जिसकी अभी चेयरपर्सन महबूबा मुफ्ती है। समझ में आया? पंजाब में शिरोमणि अकाली दल 1920, सुखबीर सिंह बादल, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1932, शेख अब्दुल्ला, इसको 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी 1982, भीम सिंह, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1998, मुफ्ती। जम्मू कश्मीर की पार्टीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है इसे, तो कोई भी आपसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आइए, यूपी में आइए, अपना दल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट के एग्जाम में, अपना दल, इसके फाउंडर कौन है? सोने लाल पटेल, सोने लाल पटेल, कब? 1995 में, कब? 1995 में, अपना दल सोने लाल पटेल 1995। नेक्स्ट आइए हरियाणा, नेक्स्ट आइए हरियाणा, ये आपका हरियाणा, हरियाणा में आइए इंडियन नेशनल, कहाँ लिखूं? चलिए यहाँ लिखते हैं हरियाणा का, आप लोग मैप पे लिखिए इंडियन नेशनल लोकदल, इसका गठन 1996 में हुआ था, चौधरी देवीलाल ने इसका गठन किया था, चौधरी देवीलाल ने गठन किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल 1996 में गठन, चौधरी देवीलाल ने गठन किया था। अभी इसके चेयरपर्सन है ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश
चौटाला, ठीक है, हरियाणा का यहां लिख रहा हूं। नेक्स्ट आइए बिहार, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, इसका गठन 2000 में रामविलास पासवान ने किया था, रामविलास पासवान ने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आइए तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसका गठन 2001 में हुआ है, चंद्रशेखर राव ने किया है, चंद्रशेखर राव ने किया है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तेलंगाना राष्ट्र समिति। नेक्स्ट महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, नवनिर्माण सेना, इसका गठन 2006 में हुआ है और इसका गठन कौन किया है, राज ठाकरे ने, राज ठाकरे ने, इसको, इस पार्टी को सन्स ऑफ द सॉइल भी कहा जाता है, सन्स ऑफ द सॉइल। महाराष्ट्र की पार्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इलेक्शन हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आइए दिल्ली, दिल्ली का राजा कौन, दिल्ली का राजा कौन, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे भी पूछ दे, 2012 में, 2012 में पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, 2012 में दिल्ली की। नेक्स्ट आइए तेलंगाना में ही, तेलंगाना में ही AIMIM 1927 में इस पार्टी का गठन हुआ है, इस पार्टी का गठन नवाज महमूद किए हैं। इस पार्टी के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि ओवैसी, ओवैसी की पार्टी में इस बार जब वो सभा कर रहे थे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, तो इस पार्टी का बैकग्राउंड पूछा जा सकता है। तेलंगाना की ये पार्टी है AIMIM 1927, नवाज मोहम्मद इसके फाउंडर हैं और अभी चेयरपर्सन कौन है, ओवैसी हैं। नेक्स्ट आइए उड़ीसा, बीजू जनता दल, बीजू जनता दल, इसका गठन 1997 में हुआ है, नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, बीजू जनता दल उड़ीसा में 1997, नवीन पटनायक। नेक्स्ट आइए छत्तीसगढ़, जनता कांग्रेस, इसका गठन 2016 में हुआ है, अजीत जोगी, अजीत जोगी इसके फाउंडिंग मेंबर है, अजीत जोगी, जनता कांग्रेस 2016, अजीत जोगी। नेक्स्ट आइए बिहार में ही,
जगह ही नहीं बच रहा है। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, इसका गठन 1999 में नीतीश कुमार। नेक्स्ट फिर आइए हरियाणा में। हरियाणा में एक पार्टी किए थे इंडियन नेशनल लोकदल 1996, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभी क्या कहते हैं इसके, ये है। नेक्स्ट एक और पार्टी है हरियाणा में, यहीं पे करते हैं, ठीक है। जननायक जनता पार्टी, इसका गठन दुष्यंत चौटाला 2018 में इसका गठन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आइए झारखंड, झारखंड विकास मोर्चा, इसका गठन 2006 में बाबूलाल मरांडी। ये पार्टी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के इलेक्शन के बाद अभी बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, इसलिए ये पार्टी इम्पोर्टेंट हो जाती है। झारखंड विकास मोर्चा 2006, बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट आइए राजस्थान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, इसका गठन 2008 में हुआ है, 2018 में सॉरी, हनुमान बेनीवाल ने इसका गठन किया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए महाराष्ट्र में ही शिवसेना, इसका गठन 1966 में कौन किया है, बाला साहेब ठाकरे। और अभी इसी पार्टी के सीएम बने हैं उद्धव ठाकरे, ठीक है। नेक्स्ट आइए आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, 2011 में इसका गठन हुआ है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्टीज थे, आपको देख करके अगर फॉरवर्ड कर दिए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।